हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, हम हाजिर हैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन के बारे में। कब आएगा नोटिफिकेशन, कैसे होगा सिलेक्शन, क्या होगी ये लिमिट, सब कुछ हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ अपन तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी, आने वाली थी, एटलीस्ट वो 25 मार्च के आसपास आने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो भर्ती फिलहाल नहीं आ रही है। अब उसका नोटिफिकेशन किस डेट को आने वाला है वो हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं एसएससी कैलेंडर के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जो जीडी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी होना था। मुझे भी काफ़ी इंतजार था, काफ़ी वेट था कि हाँ, अगर नोटिफिकेशन आ जाता तो हम उसके बारे में वीडियो बनाएं, लेकिन जो है नोटिफिकेशन नहीं आया। अब यहाँ पर जो नई डेट वो निकल के आ रही है, और आगे हम वीडियो में भी आपको बताएंगे क्या इसमें एज लिमिट हो सकती है। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैलेंडर के मुताबिक जीडी के जो कांस्टेबल की परीक्षा है वो अगस्त में होनी है, ठीक है। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि 2021 से 25 अगस्त 2021 के बीच, यानी कि 2 से लेकर 25 अगस्त के बीच में होनी है। हालाँकि एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में अभी कम्प्लीट डिटेल नहीं मालूम चल सका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम शेड्यूल तब था जब जो है भर्ती की नोटिफिकेशन की तारीख जो है मार्च में 25 तारीख को आने वाली थी, लेकिन एटलीस्ट अभी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं आ पाया है। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड डेट है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो इस भर्ती के जरिए आप देख सकते हैं कई जो सीमा सुरक्षा बल हैं उनमें होती हैं भर्तियाँ, इंडियन तिब्बत पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल यानी औद्योगिक सीएसएफ वगैरह में होती हैं, सेंट्रल रिजर्व फोर्स में होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होती है यहाँ पर 10th लेवल होती है, और जो एज लिमिट होती है 18 to 23 के आसपास होती है, बाकी कैटेगरी अनुसार इसमें छूट दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, और जो यहाँ पर जो सिलेक्शंस बेसिस हो गए इस बार CBT के बेस पर होने वाली है, और CBT जो है आप जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, जहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है, और इसमें जो रिटर्न का जो सिलेबस होगा वो आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वगैरह यहाँ पर आएंगी। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि एटलीस्ट जो भर्ती की तारीख है वो जो है किस तारीख को आने वाली है। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 1 मई से लेकर 7 मई के बीच में कभी भी इसका जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप चैनल पर हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाकी इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 1 मई से लेकर, तो हम यहाँ पर फाइनली मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता दूँ कि 1 मई से लेकर 7 मई के बीच में एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल का है नोटिफिकेशन, जैसे जो है ऑल ओवर जो इतने भी सशस्त्र बल हैं उनमें जो भर्तियाँ होती हैं कांस्टेबल की, तो 1 मई से लेकर 2 मई, 1 मई से लेकर 7 मई के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है।